ये प्री फिल्टर सेक्शन है, वो था बैक फिल्टर सेक्शन, और ये प्री फिल्टर सेक्शन है, कॉल इसको। इसमें प्री फिल्टर हैं एल्यूमिनियम टाइप के, निकाल कर उसको, ये देखो एल्यूमिनियम टाइप के फिल्टर है, इसमें जाली किस्म की लगी हुई है। इसमें अगर कोई प्लास्टिक आया, कोई मोटा मोटा आइटम आएगा तो वो इसको पकड़ेगा, मोटा सैंड होगा सैंड को पकड़ लेगा, लेकिन जो माइनर डस्ट होगा वो नहीं पकड़ेगा उसको। इसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती है, बंद कर दो बस लास्ट में। इसको निकाल के आप निकाल सकते हो, वापस इसको डाल सकते हो। मेनली पीपीएम हमारा यही होता है कि ये फिल्टर हम साफ़ करते रहते हैं। ये फिल्टर मेन पीपीएम क्या होता है, ये फिल्टर होते हैं, ये दो फिल्टर हैं जो प्री फिल्टर और बैक फिल्टर, इसको साफ़ करना पड़ता है। ये प्री फिल्टर हम रिप्लेस नहीं करते हैं 5-10 साल तक, और बैक फिल्टर हम साल साल रिप्लेस करना पड़ता है अगर डर्टी हो गए तो। और एक इसका पाइप्स में स्ट्रेनर है, चिल वाटर का स्ट्रेनर, प्री फिल्टर और बैक फिल्टर, ये साफ साफ करने पड़ते हैं। मेनली मेंटेनेंस यही है इसका। और ये फिल्टर होके डीपीएस स्विच है, इनकेस फिल्टर डर्टी हो गए तो ये आपको अलार्म देंगे बीएमएस में, वहाँ पर पैनल में अलार्म आएगा आपको कि फिल्टर डर्टी हो गए हैं, रिप्लेस करो। अदरवाइज आप खुद एज पर एक्सपीरियंस भी आप चेक कर सकते हो, इसमें अगर डस्ट है तो उसको साफ करके दोबारा लगा सकते हो। ओके।